नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। सहारनपुर में आज हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मोहल्ला रवापुरी निवासी वीरेंद्र कुमार प्रजापति ने आज अपने निवास स्थान पर रोजा इफ्तारी कराई। वीरेंद्र कुमार ने सभी मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तारी करने को कहा तो मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए सैकड़ों की तादाद में वीरेंद्र कुमार प्रजापति के निवास स्थान पर रोजा इफ्तारी करने के लिए पहुंची। सैकड़ों की तादाद में बच्चे, नौजवान व बुजुर्गों को देखकर वीरेंद्र कुमार प्रजापति भी गदगद हो गए। सभी मुस्लिम भाइयों को आगे बढ़कर अपने गले लगाया और रोजा इफ्तारी पर आने का धन्यवाद किया। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा इफ्तार का टाइम होने पर वीरेंद्र कुमार प्रजापति वो उनके परिवार वालों ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा इफ्तार कर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज यहाँ पर आयोजित इफ्तार का ये पहला कदम है, मैं समझता हूँ कस्बे में, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम इनकी बहुत सराहना करते हैं, बहुत इनकी हम इज्जत और अफजाई करते हैं इस मामले में। और ये इस तरह के प्रोग्राम मुस्लिम समाज के तरफ से भी होते रहने चाहिए हिंदू भाइयों के त्यौहार पर, और हिंदू भाइयों की तरफ से भी होते रहने चाहिए, जिससे कस्बे का भाईचारा बना रहे, कस्बे में अमन चैन प्यार मोहब्बत बनी रहे। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है आपका? महमूद मलिक। जो आज ये हमारे यहाँ वीरेंद्र भाई इफ्तारी करा रहे हैं, क्या कहना आपका? बहुत अच्छा कार्य है, इससे बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे को आदमी मौका मिलता है बात करने का। ये बहुत अच्छा इनका कार्य है, मैं इनके कार्य से बहुत खुश हूँ। इसमें क्या कहना आपका? इसमें मैं इन्हें दुआ देता हूँ, ऊपर वाला इन्हें खुश रखे, इनके परिवार को खुश रखे। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा है वीरेंद्र प्रजापति। तो आज जो आपने ये जो रोजा इफ्तारी कराई है, ये किस लिए कराई है? ये मैंने इसलिए कराई है कि जो है आज हमारे यहाँ जो है जागरण जो होता है माता का, वो जागरण की करा रखा है मैंने। आज जो जागरण करना है वो जागरण करा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ जो मेरे मुसलमान भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैं, क्योंकि उनका रोजा है, वो खाना तो खाएंगे नहीं, तो मैंने ये इख्तियारी की व्यवस्था करवाई है उनके लिए, क्योंकि हम सब मिल के रहें और एक साथ रहें और जो है हमारा भाईचारा बना रहे। क्या संदेश देना चाहते हो आप? बस संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जो है सब मिलजुल कर रहें सब लोग, और अच्छी तरीके से रहें, और ये जो है हमेशा के लिए प्रेम भाव हमारा सबका बना रहे। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अर्शद है। तो आज जो ये वीरेंद्र भाई हमारे सहारनपुर में जो इफ्तारी करा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने सहारनपुर के लिए, और यहाँ से पहले भी गंगा जमुना तहजीब का बहुत अच्छा मामला है सहारनपुर से, और इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।